हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वन बार वन वोट के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर में तमाम जो कोर्ट हैं वहाँ पे बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ हाईकोर्ट में, हाँ यहाँ पे भी बार एसोसिएशन चुनाव जोरों से है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस कदर मतदाता और जो प्रत्याशी हैं समर्थक हैं वो लगातार अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदाताओं से अपील की जा रही है और एन के एन प्रकार गले में तकिया लटकाए हुए हैं अपने मतदाता की फोटो और बैलेट नंबर के साथ में। इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये सामने आ रही है कि यहाँ पर जो कुल मतदाता हैं वो 4660 के लगभग हैं और 70 से ज़्यादा प्रत्याशी जो है मैदान में हैं। मेरे पीछे पूरे जो प्रत्याशी हैं समर्थक हैं वो लगातार खड़े हैं और अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एन के एन प्रकार मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखना दिखाएंगे हम आपको कि एक बैलेट दो नंबर है उनका फोटो और बाकायदा गले में तकिया डाल के मतदाताओं को एन के एन प्रकार कैसे भी लुभाने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ कुछ एडवोकेट्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार चुनाव में नया क्या है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार चुनाव में क्या नया है। इस बार पहली बार एक वकील एक ही बार में वोट दे रहा है और एक पूरे राजस्थान में 8 दिसंबर को पहली बार एक साथ मतदान हो रहा है। कितनी कोर्ट्स राजस्थान में, अगर राजस्थान के लेवल की बात की जाए तो कितनी कोर्ट्स हैं जहाँ पे लगभग जो आंकड़े आपके पास हैं? आंकड़े नहीं है लेकिन राजस्थान की जो भी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड बारे हैं उसी में आज ही मतदान हो रहा है सभी में एक साथ। हमारे साथ कुछ और एडवोकेट जुड़ चुके हैं। सर आप आज थोड़ा आगे आ जाइए, आप ये जानना चाहेंगे सर ई मतदाता पर्ची वन बार वन वोट पूरा फंडामेंटल क्या है? सर ये क्या है, अभी तक क्या होता था कि पूरे राजस्थान में अलग अलग दिन इलेक्शन होता था तो कई हमारे साथी अधिवक्ता ऐसा होता था कि 2-3 जगह भी उनका रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन इस बार एक जुडिशल ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर की बनस्पत ये आदेश दिया गया है सभी बार एसोसिएशनों को और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को कि भाई एक ही दिन पूरे राजस्थान में इलेक्शन होगा और आपके पास ऑप्शन है, अगर आप जयपुर में भी वकालत करते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में अपना एफिडेविट दोगे या सेशन कोर्ट में दोगे या किसी दूसरी बार में दोगे। तो जिस बार एसोसिएशन में आपने अपना एफिडेविट दिया वहीं आपको वोटिंग राइट मिलेगा। तो इस तरह हमारी 15-16 हज़ार की वकीलों की संख्या है लेकिन जो एफिडेविट आए हैं वो आए हैं 4660 यहाँ पे, तो यानी कि मतदाता की जो लिस्ट बनी है वो 4660 की बनी है हमारी, तो उसी में से मतदान उत्साहपूर्वक चल रहा है और बहुत शांतिप्रिय मतदान चल रहा है। हमारे साथ कुछ महिला एडवोकेट्स भी जुड़ी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में मैडम कितने प्रत्याशी मैदान में हैं आज हाईकोर्ट की बात करें तो? सर एक तो 16 मेंबर है, एग्जीक्यूटिव को होता है 8 मेंबर और 8 मेंबर एक्स्ट्रा। कितने पदों पे चुनाव हो रहे हैं? 16 पे। 16 पदों पे कौन कौन से पद? एग्जीक्यूटिव मेंबर पे, प्रेसिडेंट पे, वाइस प्रेसिडेंट पे, जनरल सेक्रेटरी पे, सोशल सेक्रेटरी पे जिसपे मैं खुद कैंडिडेट हूँ सुनीता मीणा सोशल। कितनी महिला प्रत्याशी मैदान में है? सर 8। कौन कौन से पद में अगर बता सके? सर इतना आइडिया नहीं है लेकिन मैं सोशल सेक्रेटरी पे सुनीता मीणा प्रत्याशी हूँ। इसलिए आप खुद कैंडिडेट हैं, कौन से पद के लिए लड़ रहे हैं? तो सोशल सेक्रेटरी के लिए लड़ रही हूँ और दूसरा चुनाव है मेरा पहला, बहुत ही बहुमत से चुनाव में सेकंड रही थी, 1250 वोट रहे थे। इस बार उम्मीद है पूरी कि अच्छा रिजल्ट रहेगा, अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा और आप लोगों के लिए अच्छी सेवा कर सकते हैं। हमारे साथ और भी महिला एडवोकेट्स हैं। मैडम पहले बात तो आपका नाम बताइए। पूजा राठौर। कौन से प्रत्याशी का प्रचार कर रही है? सोशल सेक्रेटरी सुनीता मीणा फीमेल को हम बिल्कुल कर रहे हैं लेडीज जी। कितना उम्मीद है आपको कि ये चुनाव जीत? हमें पूरी उम्मीद है 99%, हम जोर शोर से इसके साथ हैं। इस बार चुनाव में नया क्या है? नया है कि आप जहां चाहते हो अपनी मर्जी से आप एफिडेविट देके वहां पर अपनी मर्जी से आप चुनाव कर पा रहे हो। मैडम आपसे भी जानना चाहेंगे कुछ कि वन बार वन नेशन वन बार वन वोट पूरा फंडामेंटल है? ये बहुत अच्छा है सर, इससे इधर उधर वोट नहीं जाएंगे, जो लोग हर जगह वोट देते थे 2-3 वोट जाते थे वो नहीं होंगे, एक सेपरेट हो गया और इतनी भीड़ भी जबरदस्ती की वो नहीं होगी। सुरक्षा की बात की जाए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, मतदाता तो अपने आप ही लुभे हुए सर, सबको पता है कि कौन कैसा है अंदर से, और प्रचार तो चाहे किसी का भी कर दो अब वैसे, लेकिन सबको सोच रखा है सबने किसको वोट देना है अंदर। ये महिला समर्थक हैं प्रत्याशी की, हमारे साथ और भी कुछ वकील जुड़ चुके हैं। सर आप? राजेश कुमार शर्मा, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट। सर ई मतदाता पर्ची पहली बार लागू की गई है कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, कैसे क्या देखते हैं? राजस्थान हाई कोर्ट बार काउंसिल ने अब की बार एक नया आदेश पारित किया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कि पहली बार QR कोड को स्कैन किया गया है और इससे जो फर्जीवाड़ा वो रुकेगा और जो चुनाव है निष्पक्ष होंगे, सभी कैंडिडेट अपने अपने भाग आजमा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये QR कोड की जो प्रणाली की गई है वो बहुत सही है और निष्पक्ष है। कितना मानते हैं आप चुनाव में कि जो वन बार वन वोट है वो कितना सक्सेस कारगर?
वन बार वन वोट इस बार 100% सक्सेस होगा, कोई फर्जी मतदान नहीं होगा, गड़बड़ियां नहीं होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो एकदम सही दिया है। हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं निष्पक्ष हो रहे हैं और बहुत शांतिपूर्ण हो रहे हैं। सर कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभाने का प्रयास भी किया जा रहा है, गले में तख्तियां लगाई हुई हैं। ये मतदाता लुभाने का तो देखो वकील है, वकील सब जानता है किसको देना है, लेकिन एक अच्छा लगता है माहौल होता है चुनाव में, थोड़ा अच्छा लगता है, सबको राइट भी होता है सब करने का, लेकिन वकील तो समुदाय सब जानता है किसको वोट देना है। हमारे साथ और भी कुछ एडवोकेट जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम शायद मैं जानता हूँ, लेकिन पंकज यादव, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। किस प्रकार देखते हैं चुनाव हो रहे हैं बार एसोसिएशन वन बार वन वोट को? सभी अधिवक्ताओं में बहुत ही उत्साह है, और ये उत्साह का कारण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक आदमी एक जगह ही वोट डाल सकता है। पहले क्या दो जगह एफिडेविट देते थे, अब एक जगह ही वोट डाल सकता है। हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट में ही बार डाल, और पूरे देश में आज के दिन ही चुनाव है वकीलों। हाईकोर्ट की बात कर ले तो यहाँ पे कुल मतदाता कितने हैं? यहाँ 4600 कुछ मतदाता हैं, और वोटिंग परसेंटेज भी अब की बार अच्छा रहेगा, 80% से ऊपर रहेगा। ऐसा क्या कैसे लोगों में उत्साह है? कैंडिडेट की मेहनत है, घर घर तक कैंडिडेट गए हैं। हमारे साथ और भी हैं। सर किस प्रकार देखते हैं पूरा चुनाव बारह सौ, क्योंकि चंद दिनों पहले ही सरकार का चुनाव हुआ है, गठन नहीं हो पाया, लेकिन अभी 12 सीटों के चुनाव है, किस प्रकार देखते हैं? सर हम लोग बहुत उत्साहित हैं, हम लोग यंग एडवोकेट्स हैं, और हम चाहते हैं ऐसा कैंडिडेट आए हाईकोर्ट में जो हमारे लिए भी काम करे और हाईकोर्ट को भी ऊपर लेके जाए। सर यहाँ पे अब देखिए हम चेम्बर्स अलॉटेड नहीं के लोगों को, यहाँ पे सफाई की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, यंग एडवोकेट को प्रोत्साहित किया जाए, आजकल ई फाइलिंग वॉरियर कोर्टों में ई फाइलिंग को सिखाया जाए, तो इस तरह का कोई कैंडिडेट हमें चाहिए जो जीते, और हम चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट इंद्रेश शर्मा जी को वोट दिया जाए और सब उन्हें जिताया जाए। लगातार अपील भी की जा रही है मतदाताओं से कि ठोस मजबूत और सकारात्मक प्रत्याशी जो है मैदान में उनको वोट दिया जाए। मेरे साथ कुछ सीनियर्स एडवोकेट्स भी जुड़े हैं। सर वन बार वन वोट एक निर्देश लागू हुआ है, उसके तहत पूरे राजस्थान प्रदेश में जो भी कोर्ट्स हैं उनमें 12 सीटों चुनाव हो रहे हैं, यहाँ की बात कर लें तो किस प्रकार देखते हैं पूरा चुनाव? नहीं, चुनाव यहाँ तो बिल्कुल निष्पक्ष हो रहे हैं, और ये सिद्धांत अच्छा भी है। वन बार वन वोट से क्या है कि जो लोग डिस्ट्रिक्ट बार के हैं वो वहाँ दें, हाईकोर्ट बार में जो प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ दें, इसका सीधा है। और बड़ा यहाँ हमारे यहाँ सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव होता है, और देख लीजिए आप बड़ा उत्साह है, हर्षोल्लास के साथ ये हाईकोर्ट बार का, हम ये समझ लो ये भी हमारे लिए भी ये त्यौहार है चुनाव का। धन्यवाद आपको। ये त्यौहार से कम नहीं मानते इस चुनाव को भी, क्योंकि राजस्थान प्रदेश त्यौहारों का, वैसे त्यौहार ज़्यादा होते हैं और पूरे देश की बात करें त्यौहार का देश कहा जाता है। एक युवा एडवोकेट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर मुख्य समस्या क्या है हाईकोर्ट में? समस्या ये है कि इस टाइम पे यंग एडवोकेट्स के लिए चैम्बर्स की सुविधाएं नहीं है, और उनके लिए लॉकर की सुविधा जो कि होनी चाहिए वो अभी तक शुरुआत नहीं की गई है। और एक नए इस चुनाव के दौरान जो नई चीज़ हो रही है वो ये है कि इस बार यदि महेंद्र सांडिल्य जी जीतते हैं तो वो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई वकील तीसरी बार यहाँ पे अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इससे पहले माधव मित्र जी 2 बार लगातार यहाँ पे अध्यक्ष रह चुके हैं। यदि सांडिल्य जी जीतते हैं तो इस बार पहली बार होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इतिहास में कि पहली बार कोई वकील 3 बार यहाँ पे अध्यक्ष रहने जा रहे हैं, उनका लगातार ये 4th चुनाव है। किसके चुनाव के बारे में? सर जो इस बार चुनाव हुआ ना वन बार वन वोट का, तो इससे बहुत बढ़िया है, क्योंकि ना तो ज़्यादा गैदरिंग इकट्ठी होती है, और ऐसे लोकल होते हैं तो कई बार अनदर कोर्ट के भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो इससे माहौल थोड़ा गड़बड़ा, इस बार माहौल सही है। मुख्य समस्याएं जिन पे बात कर ले, क्या फोकस किया जाना चाहिए प्रत्याशी? फोकस ये कि जहाँ पर जो नए वकील आते हैं उनके लिए भी मतलब एक्स्ट्रा होना चाहिए, उनके लिए बोलने का पावर, और जो वकालत में वकालत करने के लिए उनको एक्स्ट्रा मतलब टाइम देना चाहिए बार में, और यहाँ बेंच के अंदर भी उनका एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से उनको नॉलेज बढ़ने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। सर आप कि मुख्य समस्याएं क्या रहने वाली हैं, क्या हैं फिलहाल में, जिसको आप चाहते हैं कि आपका कैंडिडेट जो भी जीते वो उनको दूर करें? सर सबसे मुख्य समस्या जो है, जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उनको एक स्टाइफंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सबसे मुख्य चीज़ है। आज जो एक वकील जो आता है वो सीखने के साथ साथ जो उसकी नेसेसिटी है मतलब उसकी दिनचर्या का जो खर्चा है वो नहीं निकल पाता, तो यदि हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि ये सारी चीज़ों की पूर्ति करवा सके, तो वकील तब अनुभव के साथ निकल के आएगा, और एक बढ़िया वकील तब आएगा जब उसके पास एक स्टाइपेंड आएगा, और एक स्टाइपेंड आने के बाद उसको ये पता है कि मेरा एक महीने का खर्चा है जिसमें ये निकाल सकता हूँ, और वो एक अच्छे वकील के
रूप में निखर के आएगा। और सबसे मुख्य सफाई, बिल्डिंग, व्यवस्था, ये सब चीज़ों से सबसे बड़ी व्यवस्था है उसकी एक स्टाइपेंड, और स्टाइपेंड ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि जिसको मुख्य लेकर रमित पारिक आगे आ रहा है। और महासचिव के लिए उसका मुख्य रूप से स्टाइपेंड एक बच्चों को दिलाना आवश्यक रूप में जरूर। कितने लर्नर हैं जो प्रैक्टिशनर, लगभग कितने आंकड़े आपके पास है जो नए युवा एडवोकेट्स बनने के लिए प्रैक्टिस के लिए आते हैं? सर देखिए, इस बार भी यदि आप 4,461 वोटों में से यदि आप आकलन लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा न्यू कमर्स है, और न्यू कमर्स की रिक्वायरमेंट है, वो आवाज़ दे रहे हैं लेकिन वो आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। और वो बेंच तक जिस दिन पहुंच गई, इस दिन राजस्थान हाई कोर्ट भी एक रिपोर्टेबल जजमेंट्स देने लगेगा, क्योंकि एक अनुभवी वकील यहां से आएगा जिसको पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और स्टाइपेंड उसका पूर्ण रूप से उसको मिलता रहे। ये कुछ तमाम एडवोकेट्स हमारे जुड़े थे और उन्होंने अपनी अपनी समस्या बताई। मुख्य समस्या जो थी वो युवाओं को, जो नए प्रैक्टिशनर हैं, जो लर्नर हैं, वो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं हाई कोर्ट में, उनके चैम्बर अलॉटमेंट की व्यवस्था नहीं है, जो उनकी समस्याओं की आवाज़ है उठाने वाला प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनको अपने हिसाब से मतदाताओं को लुभाना होगा। मतदाता या जो वकील मतदाता हैं उनकी हर समस्याओं को फोकस नज़रअंदाज नहीं करते हुए उनको फोकस करना होगा, और जो बेंच है, जो मुख्य बेंच है जहाँ से ये समस्याएं हल हो सकती हैं, वहाँ तक उनकी आवाज़ को बुलंद करके एक मजबूती से बात रखनी पड़ेगी। उसके बाद तब जाकर वो आगे इस कोर्ट का जो ढांचा है, जो समस्या है, उनको दूर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।